हेलो मनदीप जी, फिर से वेलकम है। बाकी लोग आ ही रहे होंगे, लिंक का वेट कर रहे थे। तो अब हमें पढ़ना है अलेक्जेंडर पोप। हेलो सुनीता जी, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से पोप, क्योंकि मुझे लगता है कि समझने वाला काम इसमें बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो रहे थे बीच में, कह रहे थे कि पढ़ना है पोप, तो मैंने कहा इसको ख़त्म करते हैं फिर आज। हेलो सुखवीर जी, मीनू जी, तो टाइमलाइन यही है 1688 से लेकर 1744, इस एज में जिसमें ये हैं, अगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज, ट्रांजिशनल पीरियड, और अपने नाम से भी एज जानी जाती है, इनकी एज ऑफ पोप भी कहते हैं। हेलो मधु जी, तो काम तो बहुत सारे किए हैं, फैमिली इनके डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज फैमिली से आज सच जैसे टेनिसन का था कनेक्शन, कि हिस्ट्री चल रही थी मेंटल इलनेस की, इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, तो प्रॉपर इनकी एडुकेशन थी, बढ़िया तरीके से है। हाँ, काफ़ी जगह देखने को मिला है कि डिग्री पूरी होने के बाद ये कुछ और भी पढ़ना चाहते थे, तो वो जो एक सपोर्ट सिस्टम था उस टाइम नहीं मिला, शायद बीइंग अ मैन भी नहीं मिला होगा। कोई नहीं मनवीर जी, कोई बात नहीं है, आप स्कूल अटेंड करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल का काम पहले है ना, तो अभी तो अर्निंग का वही सोर्स है, और वैसे भी एज अ टीचर आप जहाँ भी हो वहाँ अपना 100% दो, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अटेंड कर लेना। फर्स्ट जो इनका वर्क है, तो हम वर्क्स को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, फिर एज इट इज़, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेनिसन में किसके वर्क पर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि एक बार हमारी नज़रों से निकल गए कि हाँ ये टेनिसन ने लिखा है, या ये वर्क है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का था, या ये है तो एलियट का था, तो ऐसी चीज़ें हैं। इनके वाले वर्क भी ऐसे हैं, एक दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन किस में से आएगा मोस्टली अभी तक जहाँ से आया है वो मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट जो इनका है पास्टोरल्स, ठीक है, पास्टोरल पोम पढ़ते हैं ना, पास्टोरल टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे इनकी कलेक्शन ऑफ पोम्स थी 1709 में आई थी, ठीक है, तो पोम्स है ये। कई बार पूछ लेता है कि पास्टोरल जो है किसकी क्रिएशन है, पोम्स की कलेक्शन है पोप की, 1709 में आई थी। एक और चीज़ मुझे याद आई अभी, किसी ने पिछली क्लास में, मतलब अभी जो प्रीवियस क्लास थी, जस्ट ये बोला था जो आइडल्स ऑफ द किंग था सीरीज़, वो 1885 था। मैंने गूगल पे चेक करा, तो अगर आप उसकी क्रोनोलॉजी चेक करेंगे ना, तो वो उसके हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है, कि 1859 के बाद 69 देन 89, तो आप जो पढ़ रहे हो 59 उसमें ईयर सही है कि आइडल्स ऑफ द किंग का पहला एडिशन आया था, यानी कि फर्स्ट पब्लिश 1859 में हुई थी, टेनिसन की जो पोम थी ना। लेकिन 1885 में जो लास्ट इंक्लूड की गई है ना, उसके बारे में मेंशन है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा क्या होता है, एक तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड, विकिपीडिया आप पढ़ रहे हैं, मैं भी बहुत हद तक विकिपीडिया पढ़ती हूँ, बट मैं रिलाई नहीं करती उस चीज़ पर, यही मैं आपको भी बोलूँगी, चाहे अभी पढ़ो या फ्यूचर में भी, विकिपीडिया रिलायबल सोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें एडिट का ऑप्शन आता है साइड में, कोई भी एडिट कर सकता है, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दिया है, वहां से चेक कर लेना। नेक्स्ट जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है वर्जिल, वर्जिल, होरेस और होमर, क्योंकि क्या करते थे, क्लासिक पोइट्स को इन्होंने वर्क में इंक्लूड किया है ना, तो वर्जिल की जो पोम लिखने का जो तरीका था, या जो वर्जिल के वर्क थे, उनकी रेफरेंस इनमें मिलती है, पूछ सकता है ये कि पास्टोरल में किसकी रेफरेंस मिलती है, किसके वर्क से लिया गया है, तो वर्जिल। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग है कि ये कहाँ पब्लिश हुआ था, कल हमने बहुत सारी मैगजीन्स को या जनरल को डिस्कस किया था ना, तो किसी ने मुझसे पूछा था ब्लैकवुड मैगजीन जो 1817 में थी, मैंने तब भी कहा था एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, उसी का जनरल था, तो यही था, उसके रिगार्डिंग मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था, आज मैं उस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। सिक्स्थ पार्ट ऑफ जैकब टॉनसन, ठीक है, अब ये क्या था, ये एक पर्सन थे जिनका पब्लिकेशन हाउस था, जैकब टॉनसन, 1656 से लेकर 17, जो एक्चुअल ईयर है इनका 1736 है, 1736 तक ये एक फिगर थे इंग्लैंड में, जैकब टॉनसन। इनका जो मैगजीन था पॉलिटिकल, पोइटिकल था, बेसिकली पोइटिकल मिसलेनी,
ठीक है, ये इनकी मैगजीन का नाम था टॉनसन की। तो ये पर्सन थे इनकी सिक्स्थ पार्ट में, यानी कि जो सिक्स्थ एडिशन होगा इनके वर्क में, मतलब ये जो था इसके अंडर ये पास्टोरल्स को पब्लिश किया गया था, पोएटिकल मिसलैनी। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुई थी अगर आप इनिशिएटिव देखो तो, कि कब ये जो है ना, क्योंकि मैगजीन पॉपुलर मैगजीन में भी कॉलम होते हैं, तो ये जो पोएटिकल मिसलैनी स्टार्ट हुई थी ये 1684 में स्टार्ट हुई थी। मतलब एक पर्सन ने पब्लिकेशन हाउस बनाया, उसने मैगजीन स्टार्ट की, उस मैगजीन में फिर उसने क्या करा कि पोएटिकल मिसलैनी करके एक कॉलम बनाया। तो ये कॉलम कब बनाया गया था, ये कॉलम बनाया गया था 1684 में। आई गेस आई शुड पुट दिस, बाल नहीं परेशान करेंगे। तो पोएटिकल मिसलैनी 1684 में जब आया, इसके अंदर पास्टोरल्स करके ये जो कलेक्शन थी पोप की, ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये आइडिया तो मैंने आई गेस क्लियर कर दिया होगा कि वर्जिल की पास्टोरल से इसका आइडिया लिया गया था। नेक्स्ट, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये नियो क्लासिसिस्ट मैनिफेस्टो था, यानी कि नियो क्लासिकल जो पोइट्स थे ये उनका क्या था, ये मैनिफेस्टो था। मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि जो आप आने वाले सालों में अचीव करने वाले हो। तो इसमें एक चीज़ के बारे में, यानी कि इस एसे में ये कहा गया था कि जो पोइट्री है वो किस तरीके की होनी चाहिए। पहला, नेचुरल होनी चाहिए क्वेश्चन मार्क, या फिर जो सेट रूल्स हैं, यहाँ पे क्लासिक पोइट्स की रेफरेंस आ जाती है, सेट रूल हैं क्लासिकल पोइट्स की, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, या वो होना चाहिए। तो पहला जो पहली बार इसमें लिखा गया था ना, इस एज में किसी ने पोइट्री के बारे में ये कहा था कि नेचुरल होनी चाहिए, जैसे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कॉमन या ऑर्डिनरी पर्सन की लैंग्वेज होनी चाहिए, उनके बारे में लिखा जाना चाहिए। पोप का ये कहना था कि क्वेश्चन मार्क है ये चीज़ कि नेचुरल होनी चाहिए पोइट्री, मतलब किस पैटर्न में लिखी जानी चाहिए, या फिर सेट रूल्स हो। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो फिर वही है होरेस को, होरेशियन को आप कॉन्सेप्ट में ला रहे हो, यानी कि होरेस को और वर्जिल को और होमर का इलियड, उसकी रेफरेंसेज को आप, यानी कि जो ग्रीक हुए इटालियन हुए उन्हीं को इमिटेट कर रहे हो। हाँ जी हरप्रीत ढिंडसा जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसके बारे में इसने बात की थी, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711, ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसका आइडिया। आर्टिफिशियल जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करता है कि क्या करना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहिए या फिर नेचुरल वे में लिखना चाहिए। थर्ड, द रेप ऑफ द लॉक। जैसे टेनिसन और हैलम का एक ग्रुप था ना एपोस्टल्स, ऐसे इनका भी एक लिटरेरी ग्रुप था, वो 1713 में बना था, यानी कि इस वर्क के बाद, वो भी अभी बता दूंगी। क्या है ये, मॉक हीरोइक एपिक, कि बढ़ा चढ़ा के कोई कैरेक्टर दिखाया है देन उसका क्या किया है, मॉकरी बना दी है। तो ये वर्क आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, किसको डेडिकेट किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जॉन कैरल, ये भी एक राइटर थे, ठीक है, कंटेम्प्रेरी राइटर थे, बट इनको ये प्रेज किया करते थे, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना कि किसको डेडिकेट किया था। मेन जो कैरेक्टर है इसमें लॉर्ड पीटर है, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की रेफरेंस ले रखी है, और अरबेला फर्मर। कैंटोज में है स्टोरी, दो कैंटोज आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, वो ना भी पढ़ो अगर तो समरी पढ़ लेना, समरी इसकी अवेलेबल है। तो रेप ऑफ द लॉ क्या है, मोक हीरोइक एपिक है, जॉन कैरल को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट इनका वर्क है, सेम ही ईयर में आया था, मसीहा, नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। मसीहा किसको कहा जाता है, क्राइस्ट को कहते थे। 1712 में आया था ये वर्क, पोम है बेसिकली, क्राइस्ट के बर्थ के बारे में बात की गई है,
वर्जिल के फोर्थ इकोलॉग एकलॉग में से इसकी रेफरेंस है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो आइडिया है ना वो वर्जिल का ही इन्होंने ज्यादा लिया है। हाँ जी स्क्रिबनर्स, हाँ जी अमनदीप जी, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात, 1712 तक इतना वर्क आया। अब मेन जो लिटरेरी बैकग्राउंड था इसका उसकी बात कर लेते हैं। पोप जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, डॉक्टर आर्बर्ट नॉट जो कि हकीकत में थे और वो फिजिशियन थे, ये दोस्त हुआ करते थे इनके, जॉन गे, इसको बाद में लिखती हूँ एक सेकेंड। हाँ जी रेनू जी, थॉमस पार्नेल और ये भी राइटर थे। डॉक्टर आर्बनॉट का मतलब ये नहीं है कि फिजिशियन भी थे, लेकिन ये राइटर भी थे, ठीक है। तो बहुत इन्होंने इन्हीं के कंटेम्प्रेरी आप एक तरीके से कह सकते हो। कंटेम्प्रेरी वर्ड का मतलब होता है साथ के, नियर बाय एज से। कंटेम्प्रेरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि दुश्मन, नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हेलो रिचू जी, तो जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, आर्बर्ट नॉट, थॉमस पार्नेल और पोप खुद। फॉल्स टेस्ट इन लर्निंग एक आइडिया इन्होंने कहा था कि जितने भी, मतलब ये लिटररी ग्रुप था इनका। अब लिटररी ग्रुप का मतलब हो गया वो लोग जो लिखते हैं, तो लिटररी ग्रुप में ये एक दो तीन चार और ये पांच, पांच ये जो मेंबर थे इनका एक ही आइडिया था। ऑल टेस्ट मतलब फॉल्स टेस्ट की बात कर रहा है, ऑल फॉल्स टेस्ट इन लर्निंग, कि आज तक की लर्निंग में जितने भी फॉल्स तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब वही बात है जो इन्होंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में कहा कि किस तरीके की राइटिंग होनी चाहिए। तो इनका ऐसा मानना था जो हम लिख रहे हैं वो बेस्ट है, बाकी जो लिखे गए वो खराब है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कि जो क्लासिकल पोएट्स ने लिखा है वही एक्चुअल में राइटिंग है, चाहे वो होरेस हो, चाहे वो होमर हो, चाहे वो वर्जिल हो, यही थे जिन्होंने लिखा है। मतलब सेकंड या थर्ड सेंचुरी ऑनवर्ड से कह रहे हैं कि जितने भी वहाँ थे ना क्लासिक पोएट्स, चाहे वो ग्रीक में थे, वही थे ओरिजिनल। बाकी सब क्या है, वो डंसियाड वाला आइडिया है कि बाकी जो हैं वो कुछ उन्होंने ढंग का लिखा नहीं है। स्क्री ब्ले रस, इसमें इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे भी लिखा था जिसमें स्क्रिबलरस करके एक कैरेक्टर को मेंशन किया था। तो वो क्या करता है, वो उसका मेन काम यही है, एक तरीके से सटायर बताया है बैड टेस्ट के ऊपर, कि कल्चर को सटायर करता है वो। ये जो खुद समझते थे ना, जो ये खुद टेस्ट के बारे में कहना चाहते थे, उस ऐसे में ये एक कैरेक्टर है जो बताता है फॉल्स टेस्ट के बारे में, ठीक है। यही इनके ग्रुप का नाम भी था, स्क्रिबलरस, स्क्रिबलरस, ठीक है, ये ग्रुप का नाम भी है। तो जो पांच लोगों का लिटरेरी ग्रुप था उसका नाम भी यही था, प्लस इसमें एक ऐसे भी इन्होंने मिलके लिखा था, स्क्रिबलरस कैरेक्टर ही था, सटायर था ये किस चीज पर, राइटिंग पर प्लस कल्चर पर, ठीक है। हाँ जी ग्रब स्ट्रीट राइटर को, हाँ जी प्रीति गिल जी, स्विफ्ट पहले हैं, स्विफ्ट डैनियल डीफो इनसे पहले हैं, अगर आप किसी भी बुक में देखोगे ना, ठीक है, वो पहले हैं क्रोनोलॉजिकल। तो लिटरेरी ग्रुप में यही किया था। फिर इनकी एक पोम आई थी विंडसर फॉरेस्ट करके 1713 में, जब ये 1713 में ये ग्रुप फॉर्म हुआ था ना उसके बाद ही आई थी, विंडसर फॉरेस्ट। नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसका, कई बार ये पूछ लेता है कि ये वर्क किसका था, पर नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है, क्योंकि आइडिया इसका सेम ही था। पोम जो है वो पास्टोरल सेटिंग पे है, आइडिया वही है, फॉल्स टेस्ट के बारे में राइटिंग में मेंशन किया है, ठीक है। आप पोम पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसका जो मेन आइडिया था
कि नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल लैंग्वेज, उसी के बारे में इसने बात की है। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, दो चीज़ें। अभी विंसलर फॉरेस्ट हो गया ना, अब एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये है ट्रांसलेशन। दो लोगों का वर्क इसने ट्रांसलेट किया था, एक तो होमर का, ठीक है, होमर का इलियड, दूसरा ओडिसी। काम तो वर्जिल के उस पर भी किया था, लेकिन ये वर्जिल की रेफरेंस हमें मिल जाती है, ट्रांसलेशन दो ही लोगों का मिलता है। ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड, अब ये क्रोनोलॉजिकल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि मैंने एक ही बार इनको मेंशन कर दिया दोनों को, 1750 से लेकर 1720, ये टाइमलाइन आपको मिलेगी ट्रांसलेशन। दूसरा ट्रांसलेशन ऑफ द ओडिसी, ये थोड़े सा बाद में की थी, इसका जो ईयर है वो है 25 से लेकर 26। तो एक जगह मैंने ये देखा था कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड किसका वर्क है, मतलब किसने ट्रांसलेट किया है। एज इट इज दिया हुआ था सिंगल इनवर्टेड कॉमा में कि ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड इज ट्रांसलेटेड बाय होम, ठीक है, तो पोप का वर्क है ये। ठीक है, ओडिसी का भी ध्यान रख लेना कि 25 से 26 और ये 15 से 20, दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ट्रांसलेटेड वर्क भी है। मीनवाइल तो ये लिखते ही रहते थे, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो यही चीज़ है। इसके बाद आता है इनका डंसियाड, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आइडिया इनका चल रहा है ना अभी तक सटायर का, राइटिंग पे और कल्चर पे, जो कि स्क्रेबलेस कैरेक्टर के थ्रू भी इन्होंने बताया, ठीक है, और ये खुद भी ऐसा सोचते थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक टर्म है लिटरेचर में, ग्रब स्ट्रीट राइटर्स, अगर आपने पढ़ी है तो मुझे बताओ, वो आइडिया इसी एज से बिलोंग करता है। प्लस शेक्सपियर के टाइम से ये चीज़, मतलब लेटर हाफ की बात अगर मैं करूँ तो, शेक्सपियर के जाने के बाद, ठीक है, शेक्सपियर के जाने के बाद जब रेस्टोरेशन वाली एज आई ना, लगभग वो 100 साल ऐसे थे जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई। कॉपी पेस्ट वाला काम कहते हैं इसको। पढ़ाई किसी ने ग्रब स्ट्रीट राइटर्स की टर्म, जगह भी यही एक इंग्लैंड में, ग्रब स्ट्रीट। मीनू जी कह रही है नो, बाकियों ने, मीनू जी का तो आंसर आ गया। नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूं, ग्रब स्ट्रीट राइटर एक टर्म दे दी थी। ऐसा कहा जाता था कि ग्रब स्ट्रीट उन दिनों ऐसा एरिया था कि जहां कोई जाना नहीं पसंद करता था, शायद बहुत ज्यादा गंदगी थी वहां पे। तो राइटर्स को जब ये कह दिया गया ना, तो बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी टर्म्स में ये कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि कई राइटर्स लिटरेचर में ऐसे हैं जो दूसरों से आइडिया लेते थे और एज इट इज लिखते थे। कॉपी पेस्ट क्या होता है? कहीं से काट के कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई क्रेडिट नहीं दिया। प्रीतिगिल जी, क्वेश्चन ये था कि लिटरेचर में एक टर्म यूज होती है ग्रब स्ट्रीट राइटर, अगर आप नेट पे चेक करोगे ना ग्रब स्ट्रीट राइटर, तो आपको पता चल जाएगा। दरअसल क्या है, डंसियाड में ग्रब स्ट्रीट राइटर टर्म को ही यूज किया है। डंसियाड का आइडिया आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, भाई बैड पोएट्स को या बैड राइटर्स को बता रहा है कि इससे बुरा क्या लिखेंगे। थियोबाल्ड का जो कैरेक्टर है उसको बता रहा है कि थियोबाल्ड को ये ऐसा समझते थे, मतलब कंटेम्प्रेरी राइटर ही था, उसको ये कहते थे कि कुछ नहीं पता क्या लिखना है, ठीक है। नहीं अगर पता ना तो प्लीज जाके सर्च करना। आज लिखा गया था ये द डंसियाड, अभी ये बताती हूँ, पहले डंसियाड को देख लेते हैं। 1728 में लिखा गया था, लेकिन पब्लिश हुआ 1742 में। रीजन क्या था? जब 1728 में ये पब्लिश हुआ तो ये अनोनिमसली पब्लिश किया था, ठीक है। जब ये पोप के नाम के साथ आया तो ये 1742 में हुआ था, इसलिए आपको जो ईयर मिलेगा वो 1742 मिलेगा पोप के नाम से, ठीक है। 1728 में जहां जहां डंसियाड मिलेगा उसके नीचे अनोनिमस वर्ड यूज होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, वहां से चेक कर लेना। जब 1742 में आया तब पोप के नाम से आया है। उसका रीजन क्या था? पहला, ग्रब स्ट्रीट राइटर को टारगेट किया था, तो इसने क्या करा, इसने अपना नाम नहीं लिखा।
अनोनिमस के किसी ने लिखा है। अब क्या था डंसियाड में कि गॉडेस को बुलाता है और गॉडेस से एक तरीके से मतलब सेलिब्रेट कर रहे कि वाह तुमने तो मतलब ऐसे लोगों को भेजा है राइटिंग में जिनको कि पता ही नहीं है कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको किया था इसने क्रिटिसाइज, जिसको टारगेट किया था ना, वो था लेविस थियोबाल्ड। ये एक कंटेम्प्ररी राइटर थे इनके, नियर बाय एज के इनके थे और ये मिल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है जैसे ड्राइडन के सिमिलैरिटी मैं बताऊं तो ड्राइडन के मैक फ्लेक्नो से है। ड्राइडन ने जो मैक फ्लेक्नो लिखा है ना कि थॉमस शैडवाल को अब डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकता था एक राइटर को, तो थॉमस शैडवाल का कैरेक्टर बता दिया। ऐसे ही इन्होंने क्या करा था कि थियोबाल्ड को टारगेट किया था और वो किसके इनहेरिट करते हैं, कॉली सिबर। इसको पोप फेवर करते थे, पहली बात। डंसियाड में फेवर किसको करते हैं यानी कि पॉजिटिव टर्म में कॉली सिबर की यानी कि छिबर भी बोलते हैं इनको, हालांकि एच का साउंड नहीं आता बट छिबर बोलते हैं, कॉली छिबर को फेवर करते थे कि आप बहुत अच्छा लिखते हो। जब ये चले गए, ठीक है, अगर ये किसी डेजिग्नेशन पे थे या किसी पॉलिटिकल जगह के लिए या पार्टी के लिए लिखते थे, इनके जाने के बाद इनकी पोजीशन ना थियोबाल्ट को मिली थी। तो ये कहते थे जो सिबर ने लिखा यानी कि कॉली छिबर ने लिखा वो थियोबाल्ट कभी नहीं लिख सकता, इसलिए फेवर करते थे सिबर का, क्रिटिसाइज किया है थियोबाल्ट को। ठीक है, गॉडेस को भी मेंशन किया है इन्होंने कि गॉडेस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे कैसे राइटर आपने इस दुनिया में भेज दिए थियोबाल्ट जैसे, जो कि नाम खराब करते हैं सिबर जैसे लोगों का। ठीक है, तो ग्रब स्ट्रीट राइटर्स का जो आइडिया था वो यही था कि ये जो राइटर है ये ग्रब स्ट्रीट राइटर है, यानी कि कुछ भी कहीं से भी मिल गया और लिख दिया। शेक्सपियर के बारे में भी यही कहा जाता है, जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ना, थॉमस लॉज, थॉमस केड, थॉमस नैश, मार्लो, लिली पिली ग्रीने, सात ये जो राइटर्स थे इनके कंटेम्पररी राइटर ही था शेक्सपियर भी, लेकिन ये सात इतने पॉपुलर नहीं हुए जितना शेक्सपियर पॉपुलर हुआ। बहुत सारे ऐसे लिटरेचर में राइटर्स हैं जिन्होंने ये कहा है शेक्सपियर वॉज नॉट अ शेक्सपियर एट ऑल, क्योंकि शेक्सपियर ने अपनी क्या था, सिर्फ प्लेज ही लिखे थे, वो तो बेसिकली एक थिएटर आर्टिस्ट था। उसके वर्क तो उसके फ्रेंड्स ने पब्लिश कराए थे, उसके सामने जो हार्डली दो ही चीज़ें, जो दो पोम्स थी ना उसकी, रेप ऑफ लुक्रेसी और वीनस एंड अडोनिस, वही पब्लिश हुई थी एक तरीके से, या एक आधा प्ले हुआ था। मोस्टली उसके जितनी भी कलेक्शन है, जो फर्स्ट फोलियो आया था वो उसके फ्रेंड्स ने पब्लिश कराया था। और ये क्या करता था, इसने किसी को हायर किया हुआ था ऑफिशियली, तो हमें रिटर्न में तो रिकॉर्ड नहीं मिलता, बट बहुत सारे क्रिटिक्स ने ऐसा कहा है जो जो वर्क इन्होंने लिखा है। तो कहते थे कि जो यूनिवर्सिटी की विट्स के राइटर थे ना, उनसे इसने आइडिया लिया, किसी को बोला और वो इंसान लिखता था। तो शेक्सपियर को भी ये कहा जाता है कि ही वॉज ऑल्सो अ ग्रब स्ट्रीट राइटर, कि खुद नहीं लिखा, कॉपी पेस्ट वाला काम कराया है। और ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर ने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं सिग्नेचर, आप शेक्सपियर के साइन देख लेना गूगल पे सर्च करके, उसको अपने नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। ठीक है, विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर के साइन अगर आप देखोगे गूगल पे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और लोगों को हैरानी भी होती है। शेक्सपियर ने जितने डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि स्किट होती है ना स्टोरी पे, जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको एक वो दिया जाता है पेज कि आपके ये डायलॉग हैं आप ये बोलोगे, उसमें से जितनी जगह उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हैं कोई भी एक जगह ऐसी नहीं है जहां उसने स्पेलिंग सही लिखी हो। हाँ जी अमनदीप जी, अडेप्टेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक नहीं दो नहीं काफ़ी क्रिटिक्स ने ये कहा है कि शेक्सपियर को शेक्सपियर हम बोलते हैं। रीज़न क्या था, थॉमस किड ने अगर रिवेंज ट्रेजेडी लिखी, द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी, तो उसने ट्रेजेडी ही लिखी। ठीक है, मार्लो जल्दी चले गए थे 29 की एज में, मार्लो ने ब्लैंक वर्स लिखा, सारी की सारी ट्रेजेडी लिखी, तो मार्लो ही अकेला एक ऐसा इंसान था जिसने ओनली ट्रेजेडी लिखी थी। ये मैंने डिस्कस किया था उस क्लास में, शायद सेकंड लेक्चर था वो ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, तो शेक्सपियर ने क्या करा, सबको पढ़ा और सबसे चुराया। तो ये भी ग्रब स्ट्रीट राइटर कहे जाते हैं शेक्सपियर भी, नॉर्मली लोग यकीन नहीं करते
क्योंकि उनको ये भी यकीन नहीं होता कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट एक्चुअली उसके फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। ठीक है, अब जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और वो इतना पढ़ा लिखा हो, मतलब इतने सारे 37 प्लेस वो लिख कर गया, कुछ खो गए, 154 सोनेट्स लिख के गया, ठीक है, हर कोई उसे जानता था, एक्टर भी था, प्लस ब्लैकफ्रायर्स, ग्लोब, बाकी जगह उसने क्या कर रखे थे, थिएटर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, तो आसानी से लोग मानते नहीं है कि वो ग्रब स्ट्रीट राइटर था, बट वो था। तो डंसी यार्ड में क्या है, डंसी, ठीक है, ये वर्ड भी मिलता है डंसी यार्ड में, इसका मतलब होता है, और ये भी मिलेगा डंसीज, इसका मतलब था कि बैड पोएट्स, प्रिटेंडर्स, ठीक है। तो ये वर्ड, ये टर्म देखने को मिलती है कि डंसी यार्ड का जो आइडिया था 1728 में जब ये आया और पब्लिश हुआ 1742 में, तो डंसी या डंसीज करके वर्ड मिलता है, इसका मतलब ही होता है डिक्शनरी में बैड पोइट्स, यानी कि बैड राइटर्स। हाँ जी, मार्लो इज अ ट्रेजेडी किंग, ओनली ट्रेजेडी किंग, द ओनली राइटर हु रोट ओनली ट्रेजेडीज। अब बात करते हैं इनके एसे की, एक वर्क आया था इनका, एन एसे ऑन मैन, एसेज भी है लेकिन जो कहा जाता है वो एन एसे ऑन मैन है। इसके अंदर इनके चार एसे हैं, ठीक है, तो ये जो वर्क है इसके अंदर इनके चार एसेज आते हैं। क्या है, एसे ऑन मैन, मैन का रिलेशन बताया है, ठीक है, वैसे तो ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ मैन विद द कनेक्शन विद द यूनिवर्स लंबा चौड़ा है, बट मैं चार उसको टर्म्स में आपके लिए डिवाइड कर रही हूँ। हाँ जी अमनदीप जी, प्लेजरिस्ट, प्लेजरिज्म का मतलब ही यही होता है, कॉपी पेस्ट कर देना और क्रेडिट ना देना। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमारे यहाँ पे टर्म पेपर जाते हैं ना, टर्म पेपर का मतलब होता है रिसर्च पेपर, तो सेमेस्टर सिस्टम है मास्टर्स में, तो यहाँ पे क्या होता है, चार सेमेस्टर होते हैं ना, तो चार ही बार हमें इंटरनल असेसमेंट देनी पड़ती थी। तो हमारे यहाँ पे पूरा जो 250 बच्चों का ग्रुप था, मतलब नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का, तो 250 बच्चों को 20-20 के ग्रुप में बांट देते थे और उनके ऊपर एक हेड को बैठा दिया जाता था, टीचर को। अब क्या होता था, उस टीचर ने जिस भी जगह रिसर्च करी है ना, आप अगर डालोगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो आपको फैकल्टी का पूरा देगा कि कहाँ कहाँ से वो PhD करके बैठे हैं, तो वो अपने एरियाज में जहाँ उन्होंने रिसर्च किया वो पढ़ाते थे। तो हम एक तो अपना बोझ सिलेबस का प्लस उनके वाला बोझ, उसमें एक शर्त ये होती थी कि जब आप, मतलब जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ते थे उसमें, लेकिन अटेंडेंस कंपलसरी होती थी। तो जब हम वहाँ जाते थे तो हमें ये कह दिया जाता था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, जब आप अपनी रिसर्च सबमिट करोगे ना, तो आप कहीं से कुछ भी नहीं चुराओगे। तो प्लेजरिज्म एक सॉफ्टवेयर भी है, वाइपर करके एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप उसमें से 8 वर्ड से ज़्यादा इंटरनेट से किसी भी साइट से उठा रहे हो ना, तो वो पूरे के पूरे सोर्सेज को शो कर देता है। और 75 मार्क्स का वो पेपर होता है DU में ना, और मैंने लिटरली अपनी आंखों से देखा है कि मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों को 75 में से 0 नंबर भी मिले हैं। तब से ये जो टर्म है ना मेरे दिमाग में बैठ गई है, प्लेजरिस्ट देते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अब इस आइडिया को फॉलो कर रही हैं, साउथ के भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, पौंडीचेरी वगैरह, वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही हैं। तो एसे ऑन मैन पढ़ रहे थे, चार एसेज जो हैं, फर्स्ट है, हाँ जी प्रीत गिल जी, प्लेजरिज्म का मतलब यही है कि कहाँ से सोर्सेज चुराए हैं, ठीक है। सिलेबस भी अगर आप कहो तो नेट का सिलेबस भी रिवाइज हुआ था अगर PDF में देखा जाए तो, एंड नंबर ऑफ चीज़ें हैं, किसी के भी नोट्स भी अगर आप आज पढ़ोगे नहीं, इवन जो हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी कॉपी पेस्ट है, हम नहीं चुरा सकते, उन्होंने चुरा ली तो अच्छी बात थी, फिर बिब्लोग्राफी में मेंशन करना पड़ता है सोर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पहले ऐसे में मैन का कनेक्शन दिखाया है यूनिवर्स के साथ, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, मेन आइडिया यूनिवर्स है। दूसरा है इंडिविजुअल, कि मैन का एज एन इंडिविजुअल क्या रोल है, फिर आता है सोसाइटी, सोसाइटी में मैन का क्या रिलेशन है, फिर आती है उसकी हैप्पीनेस, जो कि है नहीं, ठीक है, आज के टाइम में तो हैप्पीनेस है नहीं, ढूंढनी पड़ती है। तो ये जो वर्क है पूछ लेता है कि एन एसे ऑन मैन कब आया था, आई गेस किसी ने ग्रुप पे कुछ भेजा है,
चलो कोई नहीं, बाद में चेक कर लेना। 1733 से लेके 34 की रेफरेंस है। इस एक साल में चार एसेज आए थे, यानी कि एक ही कलेक्शन है, एन एसे ऑन मैन, उसके अंदर चार पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक वर्क है, थोड़ा सा हल्का फुल्का इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है एपिस्टल टू ए लेडी, किसको डेडिकेट किया है, मार्था ब्लॉन्ट को, ये कैरेक्टर दिखाया है। ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ वुमन, ये भी इसने टाइटल है, इसका पूरा टाइटल अगर आप देखोगे ना, कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन, ज्यादा जगह तो है नहीं तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन। 1735 में आया था, 1735 में आया था, मार्था ब्लॉन्ट करके एक कैरेक्टर है, उसी को एड्रेस भी किया है और उसी के बारे में बताया भी है कि जब सब वुमेन जो हैं वो आर्टिफिशियल वर्ल्ड में खुश रहती हैं, मतलब जाना है, बाहर जाना है, पार्टी करनी है, तो जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफ थी ना, रिच लोगों की जो लाइफ थी, ठीक है, स्पेशली जो वुमेन का था, कि सारे काम कौन करती हैं, कि गवर्नेस को या सर्वेंट्स को हायर कर लेती हैं, और इनका क्या काम होता है, सज सवर के बैठ जाना, क्योंकि बाहर तो ऑफिस में तो जा नहीं सकती, काम तो कर नहीं सकती, तो अपनी फैमिली को कैसे इंजॉय करती थी, अपनी स्किल्स को अपने ही लाइफ में, मतलब घूम के किट्टी पार्टी करके, ठीक है, तो ऐसे दिखाया है, क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इसे एक चीज़ दिखाई है कि जो मार्था नाम का कैरेक्टर है ना, वो अपनी प्राइवेट लाइफ में खुश है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है बाहर की दीन दुनिया से। हाँ जी रेनू जी, ये मॉरल एसेज हैं, कुछ सिखाने के लिए मॉरल एसेज हैं। तो पूछ लेता है कि किसको डेडिकेट किया गया एपिस्टल टू अ लेडी, या कब आया था, आया था 1735 में, मार्था को डेडिकेट किया है, एड्रेस किया है, और उसी का कैरेक्टर दिखाया भी है, ठीक है, प्राइवेट लाइफ में वो कैसे खुश रहती है जब बाकी लोग बाहर रहते हैं। तो ठीक है, हेलो आदित्य, नमस्कार, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट है एन एपिस्टल टू बर्लिंगटन, ये लॉर्ड बर्लिंगटन को डेडिकेट किया है, जो कि थर्ड अर्ल थे, ठीक है, थर्ड अर्ल थे, और इनका असली नाम रिचर्ड था, रिचर्ड बॉयले, जो इनका रियल नेम था वो मिलेगा रिचर्ड बॉयले, थर्ड अर्ल, एन एपिस्टल टू बर्लिंगटन। बहुत बार ये पूछ लेता है कि इसमें रियल नेम क्या था, मतलब ये डेडिकेट किया है तो बर्लिंगटन से आप याद कर लोगे कि अर्ल ऑफ बर्लिंगटन की बात कर रहा है या लॉर्ड बर्लिंगटन की बात कर रहे हैं, नाम जो असली था वो रिचर्ड बॉयले था। 1731 में ये वर्क आया था इसका, ठीक है। हाँ जी रेनू जी, हेलो सिपिका जी, हेलो कुणाल, अमनदीप, रेफरेंस तो कहीं नहीं मिलती, ठीक है, जैसे कीट्स की मिल गई थी, लेटर हाफ में एलियट की भी मिलती है, कोलरिज की भी सारा थी, ठीक है, लेकिन रेफरेंस का हमें पता नहीं अमनदीप की, इसकी ऑफिशियल बिलवड थी या नहीं, क्योंकि कहीं नहीं लिखा गया। तो अगर क्रिटिसाइज कर भी रहा है या मार्था को दिखाया है, तो जब तक हमें ऑफिशियली कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता ना, तो हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही लिमिटेड लिखा गया है, इसके वर्क ही इतने ज़्यादा थे इलैबोरेटिव, तो वर्क तो पता चल जाते हैं, लाइफ का नहीं पता, ठीक है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि बिलवड थी या नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, बाकी मॉडगॉन, मार्था से मुझे मॉडगॉन याद आ जाती हैं, जो कि आयरिश पॉलिटिकल फिगर थी, WB Yeats की थी, वो तो इनके बहुत बाद आए थे, लेकिन इनका तो पोप का तो पता नहीं, जो नहीं पता फिर हम श्योर नहीं कर सकते ना, उसको हाँ नहीं कर सकते। यूज ऑफ रिचेज की भी इसमें बात की है, ठीक है, बेसिकली यूज ऑफ रिचेज, रिचेज का मतलब हो गया पैसा किस तरीके से यूज करना है, और एक जगह वेस्ट करने को भी बताया है इन्होंने, बाथूस्ट करके इनका एक और एपिस्टल था, उसका भी सेम ही था, ऑफ यूज ऑफ रिचेज करके, तो उसको क्या था, इन्होंने टिमोन फिगर का यूज किया है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहला
एन एपिस्टल टू बर्लिंगटन में भी रिचेज की बात की गई है, यानी कि पैसे की बात की गई है। दूसरा, टिमोन नाम की एक फिगर को यूज किया है, टिमोन विला, ठीक है। दो जगह सेम ही थीम पे बात हुई है, एक एपिस्टल टू बर्लिंगटन में भी रिचेज की बात हुई है, दूसरा बार्थोस्ट करके इन्होंने करा है, वो लॉर्ड बार्थोस्ट को डेडिकेट किया था, ठीक है, उसमें भी रिचेज की ही बात करता है। कई बार ये पूछ लेता है टिमोन विला का कॉन्सेप्ट कहाँ था। टिमोन विला एक ऐसी विला है जो कि बैड टेस्ट को बताती है, बैड टेस्ट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्ट, यानी कि आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टिमोन विला जो है बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना, किस तरीके से उसको दिखाया गया है, उसमें जो लोग रहते हैं ना, तो उनको अकल है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी फिगर वो बोल रहा है कि लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ग्रब स्ट्रीट राइटर थे शायद उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करता है, लेकिन बहुत सारी जगह ये आता है कि टिमोन विला किस में यूज हुआ है, तो ये हुआ है एपिस्टल टू बर्लिंगटन में। तो टिमोन विला का जरा सा आपको सिंबल है, ये सिंबल ऑफ बैड आर्किटेक्चर एंड बैड टेस्ट, टिमोन विला। अब लास्ट के दो वर्क, हाँ जी, वर्च्यू ऑफ टेस्ट से, हाँ जी अमनदीप जी, वर्च्यू ऑफ टेस्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है। टेस्ट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग की बात कर रहा है, टिमोन विला को यूज किया है, उसके थ्रू एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से राइटिंग्स होनी चाहिए और किस तरीके से राइटिंग्स नहीं होनी चाहिए। जो डंसियार्ड का आइडिया था ना, वो इसी से मैच करता है। अगर आप देखो तो हार्डली 2 से 3 ही साल का फर्क है। पहले जब डंसियार्ड लिखा वो 1728 में आया था, और ये जो था वो 1731 ऑनवर्ड्स आया था। तो सेम ही आइडिया चल रहा है, बहुत सारी राइटिंग में सेम ही इन्होंने चीज़ की बात की है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो 28 में वो आया था, 31 में एपिस्टल टू बर्लिंगटन आया था, पब्लिश बाद में हुआ था। ये तो पब्लिश 1731 में ही हुआ था बर्लिंगटन, लेकिन वो 42 में हुआ था। नेक्स्ट, एपिस्टल टू बाथर्स्ट, लॉर्ड बाथर्स्ट को बेसिकली बात करके याद कर लेना, बाथर्स्ट को डेडिकेट किया है, यूज ऑफ रिचेज के बारे में ही बात की है। इसके बारे में ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा सिंबॉलिक माना नहीं जाता। सबसे ज़्यादा जो है सिंबॉलिक इसके दो ही हैं, 3, एपिस्टल टू अ लेडी, एपिस्टल टू बर्लिंगटन और डॉक्टर आर्बर्ट नॉट। ये ध्यान रख लेना कि किस थीम की बात करता है, अदरवाइज इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि इसका नाम एलन था, ठीक है, एलन करके नाम रहा होगा, जैसे उसका रिचर्ड बॉयले था बर्लिंगटन का, इनका जो लॉर्ड बाथूस थे इनका नाम एलन था। ईयर, ईयर मैं बताना भूल गई इसका, 1733, ठीक है, 1733 ईयर था इसका। अब बात करते हैं एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बर्ट नॉट, इसका एक बार ईयर बता दो। इसका ईयर बताना एक बार क्या है, ये तो बाथूस्ट का था, 1735 है या 1736 है, अमनदीप जी और सुखवीर का आंसर आया है 1735, हाँ जी 1735 इसका करेक्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे, ये स्क्रिबिलस करके जो इनका ग्रुप था उसका भी पार्ट थे, प्लस ये राइटर भी थे, प्लस ये इसके फ्रेंड भी थे, फिजिशियन भी थे ये। तो ये पोप के जो फ्रेंड थे उनको डेडिकेट किया गया है, ठीक है। आर्बर्ट नॉट, इसमें आइडिया ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चलता है हमें। 3 कैरेक्टर हैं बेसिकली, तो 2 ही कैरेक्टर हैं जिनको कि सटायरिकल फॉर्म में बताया, जोसेफ एडिक्सन, हाँ जी सिपिका जी, ठीक है। तो ये इनका लास्ट वर्क था,
और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि और हार्बर्ट नॉट से इन्होंने जो आइडिया ऑफ डिसीजन मेकिंग था वो सीखा था कि कैसे राइट टाइम पे राइट एक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी काम सही समय पर करते हो तो जो रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं ना लाइफ में, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब आप सिंपल सी बात है, अगर आप आज से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो राइट टाइम पे राइट कॉन्डक्ट को फॉलो करेंगे तो राइट ही एक्शन होगा, यानी कि सारी चीज़ें आपकी टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी सही तरीके से, बगैर किसी फ्लॉ के। फ्लॉज होते हैं ना, वाइसेज होते हैं उनके। लेकिन रॉन्ग का यहाँ पे क्या मतलब है कि रॉन्ग का मतलब है जो हम डिले करते हैं। तो नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, कि राइट जो चीज़ें हैं वो अपोज्ड करती हैं रॉन्ग को। जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा इसने बात नहीं की है। दो फिगर मेन है कि किसको सटायरिकल पोर्ट्रेट में किया है, जोसेफ एडिसन को सटायरिक फॉर्म में पोर्ट्रे किया है, ठीक है, एटिकस। हाँ जी हाँ जी वीरपाल जी, जॉर्ज 2 किंग थे ये वहाँ के ना, जॉर्ज 2, तो उनको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो इसका नाम जो दिया है वो क्या है, एटिकस। हाँ जी सुनीता जी, एटिकस। और जो दूसरा है स्पोरस, ठीक है, लॉर्ड हर्वे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लॉर्ड हर्वे, जिसका कि आपने अभी जिक्र किया। लॉर्ड हर्वे को दिखाया गया है कि क्या है वो, किसका कैरेक्टर, स्पोरस, ठीक है। एटिकस और स्पोरस की कहानी चलती है। हाँ जी हरप्रीत ढिंडसा जी, ठीक है, अब इसमें से क्या पढ़ना है, कुछ तो ऐसे थे जो ध्यान रखने हैं, पढ़ना क्या है। हाँ जी रेणु जी, जॉन, ठीक है, जॉन का कैरेक्टर है। हाँ जी, जॉन हर्वे भी कह सकते हो आप उसको, कहते हैं कि लॉर्ड हर्वे का नाम जॉन हर्वे था, ठीक है, बाकी जॉर्ज भी नाम है। एक पर्सन के बहुत सारे नाम थे, वो जिस लीनियज को फॉलो करता था, ऑरेंज, विलियम ऑरेंज 1, विलियम ऑरेंज 2, ठीक है, रिचर्ड 1, रिचर्ड 2। तो इंग्लैंड की हिस्ट्री अगर हम पढ़ने बैठे ना, तो वो शायद एक बार को इंसान की अपनी हिस्ट्री याद हो जाएगी, इंडियन हिस्ट्री, वैसे तो वो भी बहुत भयानक है, लेकिन मुश्किल होती है उनके वाले राइटर्स को या रिलेट करने में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। हाँ जी हरप्रीत ढिंडसा जी, स्पोरस, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है, डंसियाड, द रेप ऑफ द लॉक, और एसेज ऑन मैन, जो मॉरल एसे हैं, एन एसे ऑन मैन, और जो एपिस्टल हैं इसके, ठीक है, एपिस्टल कौन कौन से, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एपिस्टल टू अ लेडी, बर्लिंगटन, और कौन सा रह गया, बाथोस्ट, और एक अभी जो लास्ट हमने किया, आर्बर्ट नॉट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनफैक्ट सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है। इसके जो ट्रांसलेशन थे इलियड का, 1720 से लेकर, मतलब 15 से लेकर 20 में आया, देन जो ओडिसी का ट्रांसलेशन किया वो 25 में आया, 25 से 26, ठीक है। तो इन ट्रांसलेशन के ईयर थोड़े से ध्यान रखना, दो ही ट्रांसलेशन है, पढ़ना यही है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डंसियाड, रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन मैन, और जो इसके एपिस्टल्स हैं। बाथूस्ट आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम याद रख लेना बस उसका, कि ऑफ रिचेज के बारे में बात करता है कि पैसा कैसे वेस्ट करना है। दूसरी चीज़, बर्लिंगटन में जो टिमोन विला को इसने पोर्ट्रे किया है ना, क्योंकि बहुत बार जगह पूछता है कि टिमोन विला किस चीज़ का सिंबल है, तो बैड टेस्ट का और बैड आर्किटेक्चर का वो सिंबॉलिक माना जाता है, ठीक है। तो आज दो चीज़ें हो गई, अब मैं आपसे कल मिलूँगी, कल इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, जो पोप के बाद हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है, राइटर्स में, और विक्टोरियन में जो हैं उनको ख़त्म करेंगे। पहले इनको ख़त्म करने के बाद, जैसे जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे, इस वाले स्लॉट का क्या है, पोप का, इनके साथ 5 ही राइटर्स हैं ना, जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम इंडियन स्टार्ट करेंगे इस वाले टाइम में, ठीक है। एक राइटर एक दिन में, अगर दो राइटर भी हो रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा इस हिसाब से। तो अब मैं आपसे कल मिलूँगी, तब तक के लिए आप पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना।